नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान में। इसमें हम लोग इतिहास, विश्व का इतिहास टॉपिक लिए हुए हैं, और इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी विश्व इतिहास के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य जाने थे। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। याद रखिए, यही लास्ट टॉपिक बचा हुआ है विश्व इतिहास के संबंध में। इसे ख़त्म करने के बाद आपका भारत का पूरा इतिहास और विश्व का इतिहास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उस ये सभी क्लास आपको सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसी में डली हुई है, क्रम बाई क्रम। ठीक है, तो इसमें ईसा पूर्व BC, यहाँ सबसे पहले आपको बता देते हैं, कई बार बता भी दिया, जैसे ये लाइन है इसे बीच में काट दीजिए, इस तरफ जाइए तो ईसा पूर्व है और इस तरफ आप जाएंगे तो ईसवी है, यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व, और AD का मतलब होता है ईसवी का, कि ईसा के जन्म के बाद। ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ ईसा पूर्व डेटें दी गई हैं, पहले 6000 BC यानी कि ईसा पूर्व मेहरगढ़ बलूचिस्तान सिंधु घाटी में 9 प्रस्तर बस्तियाँ, कई प्रकार की ईंटों के मकान निर्माण प्रारंभ और तांबे की खोज हुई। 6000 ईसा पूर्व में ये सभी घटनाएं आपकी घटित हुई। फिर चलते हैं हम लोग अगली डेट पर, 5000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी में खेती का विकास हुआ, सुमेरिया में 9 प्रस्तर बस्तियां बनी, पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ हुआ, मिस्र में 9 प्रस्तर बस्तियाँ बनी आपकी 5000 ईसा पूर्व में। फिर है आपका 4000 ईसा पूर्व, तो 4000 ईसा पूर्व में घटनाएं घटी, सुमेरिया में सीसा यानी कि लेड की खोज, मिस्र में सफ़ेद रंग की मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ हुए और कृषि का विकास हुआ। फिर आपका 3000 ईसा पूर्व सुमेरिया उर में पिथम राजवंश का उदय हुआ, पहिए वाले वाहनों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, वस्त्र का उत्पादन प्रारंभ हुआ, योद्धा राजा मीनीस ने उत्तरी एवं दक्षिणी मिस्र का एकीकरण किया, फोनोसियंस ने सीरिया में बस्ती स्थापित की, क्रीट में प्रारंभिक मीनोअन सभ्यता, सुमेरिया में कीलाक्षरी लिपि का विकास हुआ। फिर है आपकी 2870 ईसा पूर्व यानी कि 2870 ईसा पूर्व एशिया माइनर में ट्रोजन संस्कृति का प्रारंभ हुआ आपका। फिर आपका 2850 ईसा पूर्व चीन में पारंपरिक सभ्यता के जीवन का सूत्रपात हुआ। 2650 ईसा पूर्व मिस्र में प्रथम पिरामिड का निर्माण। 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का उदय। 2200 ईसा पूर्व चीन में हंसिया राजवंश की प्रतिष्ठापना। 1800 ईसा पूर्व बेबीलोनियाई सम्राट हम्मुराबी ने नियम संहिता की घोषणा की। 1580 क्रेट की सभ्यता का चरमोत्कर्ष था। फिर आपका 1500 ईसा पूर्व यूनान में माइसिनियाई सभ्यता का उत्कर्ष। 1400 क्रेट की सभ्यता का विनाश। 1200 ईसा पूर्व एशियाई जाति इस कैनो ने इटली में बस्ती स्थापित की। 1027 ईसा पूर्व चीन में चाऊ राजवंश स्थापित हुआ। 1013 ईसा पूर्व पेलेस्टाइन में इजराइलियों का उदय हुआ यानी कि 1000 ईसा पूर्व फिलिपीसियन लोगों ने बर्ड पर आधारित लिपि एवं लिखावट का विकास किया। ईसा पूर्व प्रथम ओलंपिक खेलों का यूनान में आयोजित हुआ। ये पॉइंट याद रख लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। 753 ईसा पूर्व रोम नगर की स्थापना। 745 ईसा पूर्व में असीरियन साम्राज्य का उत्कर्ष।
586 ईसा पूर्व बेबीलोनिया द्वारा यरूशलम पर अधिकार, 509 रोमन गणराज्य की स्थापना हुई, 483 ईसा पूर्व महात्मा बौद्ध का महापरिनिर्वाण, 480 थर्मोपल्ली का युद्ध हुआ, 461 ईसा पूर्व एंथेंस एवं स्पार्टा का युद्ध हुआ, एंथेंस एवं स्पार्टा का युद्ध हुआ आपका, 326 हाई डिस्पीच के युद्ध में सिकंदर द्वारा पुरु को हराकर पंजाब पर विजय, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का बेबीलोन में निधन हो गया, 321 ईस्वी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई, 274 सम्राट अशोक का सिंहासन रोहण हुआ, 214 चीन की महान दीवार का निर्माण हुआ, 44 ईसा पूर्व जूलियस सीजर की हत्या हुई, फिर है आपका 318 ईस्वी, यहाँ से आपका शुरू होता है ईस्वी, ऑक्टियन रोमन का सम्राट, एक मिनट रुकिए, ये आपका ईसा पूर्व में ही गिना जाएगा, ऑक्टेवियन रोम का सम्राट, यहाँ से चालू होता है आपका एडी ईस्वी वर्ष, ठीक है, यानी कि ईसा मसीहा के जन्म के बाद एडी, 4 ईसा मसीह का जन्म, 4 ईस्वी में आपका ईसा मसीह का जन्म, 14 रोम के सम्राट ऑक्टेवियन की मृत्यु हुई, 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, 79 एडी में विसुवियस ज्वालामुखी का विस्फोट, पॉम्पेई एवं हरकुलिनियस नामक दो नगरों का पूर्ण विनाश हुआ, पर आपका 570 पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, 570 ईस्वी में क्या हुआ, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, फिर आपका 622 हिजरी संबत का प्रारंभ, याद रखिए ये सभी ईस्वी की सन है, ठीक है, एडी की, 632 हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु, 968 चीन में पहली पुस्तक का मुद्रण, याद रखना 570 में आपका पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और 632 में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, ईस्वी चीन में सुंगवंश का प्रारंभ, 982 नार्समैन द्वारा ग्रीनलैंड की खोज, 1066 हेस्टिंग्स का युद्ध हुआ, 1215 में मैग्ना कार्टा पर किंग जॉन द्वारा हस्ताक्षर किए गए, 1248 में इंग्लैंड में एडवर्ड प्रथम द्वारा वेल्स पर अधिकार, 1348 में इंग्लैंड में ब्लैक डेथ फैला, 1348 में 1363 तैमूर द्वारा एशिया विजय का अभियान प्रारंभ किया गया, 1381 इंग्लैंड में किसान विद्रोह हुआ, क्या हुआ, इंग्लैंड में किसान विद्रोह हुआ, 1415 इगिन कोर्ट के युद्ध में हेनरी पंचम की फ्रांस पर विजय, इगिन कोर्ट के युद्ध में हेनरी पंचम की फ्रांस पर विजय हुई थी, 1429 जॉन ऑफ आर्क के नेतृत्व में फ्रांस की अर्लियंस पर विजय, 1455 इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध का प्रारंभ, बार ऑफ रोजेज, 1448 बार्थोलोम्यू डियाज द्वारा
उत्तमाशा अंतरिक्ष की यात्रा 1492 कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज। 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज। 1497 जॉन कैबट द्वारा न्यूफाउंड लैंड की खोज। 1498 पुर्तगाली नाविक वास्को डीमा का वास्को डी गामा का उत्तर महासागर द्वीप होते हुए भारत आगमन। याद रखना, भारत पर सर्वप्रथम आए थे विदेशी पुर्तगाल, और सबसे बाद में गए। ठीक है, सबसे पहले आए हुए थे और सबसे बाद में गए, यानी कि लंबा शासन चला इनका। 1500 पेड्रो कैबराइल द्वारा ब्राजील की खोज। 1558 में एलिजाबेथ प्रथम का इंग्लैंड की महारानी के रूप में सिंहासन रोहन। 1442 ब्रिटेन में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ आपका। 1649 इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स को फांसी हुई। 1660 कॉमनवेल्थ की स्थापना। 1660 में आपकी कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई। 1660 में क्या हुआ? इंग्लैंड में पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई। इंग्लैंड में पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई। 1688 इंग्लैंड में रक्तहीन महान क्रांति हुई। 1689 ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। 1696 पीटर महान रूस के जार बने। 1721 रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 1756 यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध हुआ आपका। 1756 में 1773 प्रसिद्ध बेस्टन टी पार्टी घटना हुई। 1776 अमेरिका की स्वाधीनता की घोषणा हुई। 1789 फ्रांसीसी क्रांति हुई आपकी। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट घोषित हुआ। 1805 टैफ लगर का युद्ध हुआ। नेल्सन की मृत्यु हुई इसमें। 1815 वाटरलू का युद्ध हुआ और नेपोलियन की पराजय हुई। 1821 नेपोलियन की मृत्यु हुई। 1832 इंग्लैंड में प्रथम सुधार विधेयक आया। 1848 कार्ल मार्क्स तथा एंजल्स द्वारा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, 1853 में क्रीमिया का युद्ध हुआ। 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 1863 अमेरिका में दासप्रथा का लिंकन द्वारा उन्मूलन हुआ। 1865 अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन की हत्या हुई। फिर 1869 स्वेज नहर का व्यापारिक प्रयोग प्रारंभ हुआ। उसके बाद आपका 1904 में रूस जापान युद्ध हुआ। क्या? 1904 में रूस जापान युद्ध हुआ। 1907 में आपका न्यूजीलैंड ब्रिटेन का उपनिवेश बना। 1912 में आपका चीन गणराज्य बना। 1912 में आपका
चीन गणराज्य बना। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 में। 1917 में आपका लेनिन के नेतृत्व में महान रूसी क्रांति हुई। 1918 में आपका प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। 1919 में आपकी वर्षाय संधि हुई, पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ। 1920 में आपका राष्ट्रसंघ का गठन हुआ। राष्ट्रसंघ का गठन कब हुआ? 1920 में। फिर आपका 1921 स्वतंत्र आयरलैंड राज्य की स्थापना हुई। 1922 में मुसोलिनी का रोम का आक्रमण हुआ। 1924 में 21 जनवरी को लेनिन का निधन हुआ। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। चलते हैं आगे। 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। हिटलर जर्मनी का चांसलर बना आपका 1933 में। 1935 इटली द्वारा इथोपिया पर आक्रमण। फिर आपका 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। और 1945 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 1945 में ही। ठीक है। फिर आपका 1948 बर्मा स्वतंत्र हुआ। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। यहूदियों द्वारा फिलिस्तीन में इजराइल के नवीन राज्य की उद्घोषणा हुई। भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आपके गवर्नर जनरल बने 1948 में। ठीक है। फिर आपका 1952 ब्रिटेन के राजा जॉर्ज सिस्टम की मृत्यु हुई और एलिजाबेथ द्वितीय महारानी बनी। 1953 में आपका सोवियत संघ में स्टालिन की मृत्यु हुई। हिलेरी और तेनसिंग ने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की इसी समय। ठीक है। 1956 पाकिस्तानी इस्लामी गणतंत्र घोषित, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1957 में घाना स्वतंत्र हुआ सोवियत संघ द्वारा। प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम छोड़ा गया। 1958 में आपका इराक गणराज्य बना। 1959 में आपका पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। 1961 में रुवांडा बुरुंडी गणराज्य घोषित हुए। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य बना। भारत द्वारा पुर्तगाल उपनिवेश यानी कि गोवा दमन द्वीप अधिकृत किए गए। 1498 में आपके पुर्तगाल आए लेकिन 1961 में यहाँ से गए। ठीक है। गोवा दमन द्वीप पर 1961 तक इनका कब्जा बना रहा। 1962 चीन द्वारा भारत की उत्तरी सीमा पर आक्रमण किया गया। 1963 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई। 1965 में सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु हुई और भारत पाक युद्ध हुआ। 1965 में आपका सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु हुई, भारत पाक युद्ध हुआ, इसे हम लोग देख चुके हैं। 1966 में आपका गुआना स्वतंत्र हुआ और ताशकंद समझौता हुआ। 1967 में इजराइल द्वारा संयुक्त अरब गणराज्य पर आक्रमण किया गया। 1968 में मेक्सिको सिटी में ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए आपके। 1969 में अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन आल्डेन चंद्रमा पर उतरे। 1970 में महान दार्शनिक बर्टेंड रसेल का निधन हुआ। 1971 में आपका भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। ठीक है। उन्नीस सौ तिहत्तर में अफगानिस्तान में गणराज्य की स्थापना हुई और 1974 में माल्टा गणराज्य घोषित हुआ।
1976 में माओ त्से-तुंग की मृत्यु हुई, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत निर्वाचित हुआ। 1977 में पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक ने सत्ता स्थापित कर ली। 1978 में सैनिक शासन गुट ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली। 1979 में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की उद्घोषणा, ईरान इस्लामी गणराज्य घोषित हुआ। फिर आपका 1980, रूस ने अफगानिस्तान में अधिपत्य जमाया। 1981 में वियरफ्रेड डी क्वेयर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव निर्वाचित हुए। 1982 में आपका ब्रिटिश नौसेना द्वारा फॉकलैंड द्वीप अर्जेंटीना की घेराबंदी की गई। 1983 में आपका नई दिल्ली में सातवां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ। 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई। 1985 में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन बहामास के नासाउ में आयोजित किए गए। 1986 में आपके हरारे जिम्बाब्वे में निर्गुट आंदोलन का आठवां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। फिर आपका 1987 में रीगन और गोरबाचोव द्वारा वॉशिंगटन में मध्यवर्ती श्रेणी के परमाणु पिच्छेपास्तों की समाप्ति हेतु हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। फिर 1988 में अफगान शांति हेतु जेनेवा समझौता हुआ। उन्नीस सौ नवासी सोवियत संघ और अमेरिका द्वारा पेरिस सम्मेलन में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने की घोषणा की गई। हंगरी गणराज्य घोषित हुआ। बर्लिन की दीवार गिराने का काम प्रारंभ हुआ। ये सभी घटनाएं आपकी 1989 में हुई। दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला 28 वर्षों बाद जेल से रिहा होकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और राजीव गांधी की मानव बम द्वारा हत्या हुई। 1991 में अपने भारत के प्रधानमंत्री थे ना राजीव गांधी, उनकी हत्या हुई। 1992 में बिल क्विंटन अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो ये थी आपकी प्रमुख तिथियां। तो आज तक हमारा भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। भारत का आपका प्राचीन हो गया, मध्यकालीन, आधुनिक, ये सभी देख चुके हैं। इतिहास में ही आपका एक टॉपिक आता है भारतीय कला और संस्कृति के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो उसे भी हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।